अभी भी नींद आ रही है। बलवान था खेत, मुझे रेतपुर जाना था और बहुत लेट भी हो गया। जाओ, बाय बाय बाय। और मेरे मलाई के मक्खन, मेरी बात तो सुनो। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और मेरे मक्खन के डोने हो, नाराज क्यों होते हो? और जी मैं ना सच कह रहा हूँ, कल शाम को ना मेरे को आपसे बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। इम्पोर्टेंट काम था जी? क्या काम था बताओ। वो ना जी ऐसी खुली जगह में करने वाला काम, मेरा मतलब है बात नहीं है जी, अब अकेले में करने वाली बात है जी। हाय रब्बा, अकेले में करने वाली बात? अब हाँ जी, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बदमाश दिमाग में क्या बात चल रही होगी। मैं जा रही हूँ। प्रीतो जी मेरा तो वो है जी, वो सच्चा वाला, वो हाँ जी, वो पवित्र वाला है जी। प्रीतो, आप क्या देख रही हो दीदी? आपको तो चोट लग गई जी। भाभी देखो ना, उसे चोट आ गई। अब ये तो मेरे साथ चल। नंदिनी तू ये कांच साफ कर ले, कहीं किसी और को ना लगे। चल संभाल के। जी मैं तैयार हूँ। हाँ ओए बलवंत, तो तैयार हो गया ना? हम यहाँ पे सारे परिवार वाले तैयार होके बैठे हैं और ड्राइवर का वेट करें कि कब वो आएगा, हम साथ में निकलेंगे। बहुत करता है यार तू बलवंत। तेजी बस कर काके, आज शुभ दिन है, शुभ काम के लिए जा रहे हैं, आज तो कब बुरक अपने गुस्से पे। वाहेगुरु का नाले के जल्दी से निकले घर से, जा जाके पम्मी को बुला के ला। बीजी, बीजी। वो क्यों है इतनी घबराई हुई क्यों है? बीजी, ये दीदी को चोट लग गई। हाय रे बाप, वो कैसे लग गई? उनके हाथ में कान चुभ गया। ओए चल छेती कर। ये तो है, ओए पुत्र क्यों हुआ? ये कैसे कटवा ली तूने उंगली? वो बीजी मासी, वो मैं कांच का ग्लास उठा रही थी तो वो लग गया। ओए ये सब की चक्कर की निया, ओए ओए खोतिया जुगनुआ, तेरे को याद नहीं आ रहा कि तूने कौन सी राज की बात बतानी है सबको? शायद इधर बलवंत के बारे कोई गल है। बीजी चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने हल्दी लगा दी है, छोटी सी चोट है ठीक हो जाएगी। बीजी आप लोग तो रेतपुर के लिए निकल रहे थे ना? बीजी शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अब चलो फिर, ठीक है बीजी, चल देने और क्या। चल ठीक है पुत्र, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। जी मासी, ध्यान रखी।
एक मिनट एक मिनट। ये जो मुंडा भी गया ना बलवंत, मुझे ना इसके बारे में कोई बहुत बड़ा राज पता है लेकिन याद नहीं आ रहा, तू तो कोई हिंट दे सकती है? बलवंत के बारे में राज की बात? कहीं मामा जी ने कुछ देख तो नहीं लिया? मामा जी आप पक्का ड्राइवर बलवंत जी की बात कर रहे हैं? ये पता चला आप शायद लक्की वीर जी, तेजी वीर जी, लच्छी या मम्मी भाभी की बात कर रहे हो? लक्की लच्छी उधर वही तो याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? स्टेप वन आप याद कीजिए, स्टेप टू आप नोट बनाइए, स्टेप थ्री आप मुझे ढूंढिए और स्टेप फोर आके सीधा मुझे बता दीजिए और स्टेप फाइव दवाई लेने का टाइम हो गया। आप मुझे सारे राज बता देना फिर मैं आपको हिंट दे दूंगी। दवाई ले लेना। लचरिया तुम्हें चोट लगी? क्या हुआ? ये क्या है? क्या ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? तो इसमें बलवंत से क्यों है? ये कौन है दीदी बताइए ना कुछ। आप मानसिंह खुराना है ना? मैं आप मानसिंह खुराना नहीं है वो? तो आप कौन है? देखिए मुझे आपसे बात नहीं करनी दीदी, बताइए ना। अब मैं क्या बताऊं? नंदिनी मैं समझाता हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा दीदी, इस घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कहिए ना। अब क्या जवाब दूं नंदिनी को? मान ने कहा था जब वो रिपुर से वापस आ जाएंगे तो वो सबको सच बता देंगे, मगर यहाँ तो पहले से ही सब कुछ बिगड़ गया है। ठीक है आप मुझे नहीं बताएंगे ना, कोई बात मैं जाके दीदी को बताती हूँ, वही आपसे पूछेंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ ना। हाँ नंदिनी ये मेरी शादी की फोटो है। शादी की फोटो? ये ड्राइवर बलवंत सिंह नहीं मानसिंह खुराना है। मेरे पति ये देव सिंह खुराना मान के छोटे भाई। देखो नंदिनी तुम्हारे बाकी सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, रो के वापस आने तक इंतजार कर लो, उसके पहले तुमने किसी को कुछ भी कहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज प्लीज नंदिनी। विजय गल दसो, अगर दमन के परिवार वालों ने बोला कि शादी जल्दी करनी है तो क्या कहेंगे? जी लड़के वाले हैं वो, जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा।
अगर शादी जल्दी करने के लिए कहते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। बात तो ठीक है बीजी, चलो देखते हैं। गीत को चोट लगी थी, पता नहीं कैसी होगी वो, कुछ पूछ भी नहीं पाया उससे। वापस जाकर मैं सबको सच से बता दूंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं और गीत अपने घर दिल्ली वापस ले जाएंगे। सोचकर आप यहां से गए थे और यहां तो कुछ और ही हो गया, पता नहीं आपके वापस आने तक क्या हो जाएगा, हमारा सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा, मेरी बेचैनी तो और ही बढ़ती जा रही है। मान आप कब आओगे, प्लीज जल्दी से आ जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गीत मुझे बुला रही है, जैसे उसे मेरी जरूरत हो। ये वक्त आज इतने धीरे क्यों चल रहा है, जल्दी से शाम क्यों नहीं हो जाती, ताकि जल्द से जल्द माना मेरे पास आ जाए। जगीत के पास आना होगा। पाजी। हाँ पाजी, आपसे कुछ बात करनी थी। तो क्या हुआ? पाजी रिश्तेदार का फोन आया था, किसी की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है तेरे को? बस पाजी अमृतसर के पास एक गांव है वहां पे। तो ठीक है चले जा, लेकिन शाम तक घर वापस आ जाइयो और गाड़ी यहीं पे छोड़ जाएगी, तू बस से चले जा। जी बाजी। ठीक है जा, आओ बाजी। सॉरी यार जुगनुआ, क्या हो गया यार तेरे शातिर दिमाग को? ओहो अथे जुबी हुई है। ओए ये इस स्टोर में भूचाल जैसा क्या आ गया है? दिखता हूं। पुत्री इतना बड़ा कबूतर, माँ दी मासी भैन दी भतीजी ऐसी तैसी तेरी लगिया टकिया। मामे मामे तू यहाँ क्या कर रहा है यार, खड़ा हो, चोट तो नहीं लगी ना? वैसे लग जाती तो कोई फर्क नहीं है, तेरा ऊपर वाला खाली है। अबे अबे चोट तो नहीं लगी ना मामे? ओए हम जसूसों को चोटें नहीं लगती हैं, जान हथेली पे रख के घूमते हम, बंदूकों और तोपों के साए में जिंदगी गुजारते हम जसूस गल करता। यार इतना फेंकता है ये बंदा नहीं। वैसे मामे तू ढूंढ क्या रहा है, अपने अंडे? कबूतर के अंडे? नहीं है काका, पता नहीं ड्राई डे क्यों आ जाता है, वो कोटा दोपहर को ही खत्म हो गया था, रिजर्व का कोटा रखा सी, हम पता नहीं भूल गया मैं कितने रखा। जा यार मामे, वो सारा मल्ला है ना तेरे भूलने की बीमारी के बारे में जानता है, तेरे को कितनी बार का ये छोटी मोटी चीजें लिख लिया कर। अब बहुत हो गया दीदी, आपकी मान सिंह यहाँ आके क्या जवाब देंगे? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप जानती है ना दीदी हम सब आपको कितना प्यार करते हैं, बीजी आपको कितना चाहती है, और तीजी बीजी वो तो आप पर जान छिड़कते हैं, पर आपने हमारे साथ क्या किया, धोखा दिया ना हमें, आप इसे झूठ के अलावा क्या कहेंगे दीदी, और इस झूठ का जवाब आपकी मानसिंह खुराना क्या देंगी दीदी? इसका जवाब मानसिंह खुराना खुद देगा। अनन्य सबसे पहले तो तुम ये जान लो, जो कुछ भी हुआ उसमें गीता कोई कसूर नहीं, गलती तो मेरी थी जो जाने अनजाने में मैंने गीत का दिल दुखाया, और गीत मुझसे नाराज होकर मुझसे दूर यहां तक पहुंच गए। जब गीत को मनाने के लिए मैं यहां तक पहुंचा तब मुझे मालूम चला कि मानसिंह खुराना का नाम लेना भी
यहाँ कितना बड़ा गुनाह है। इस परिवार का हर एक सदस्य मां सिंह खुराना के नाम से भी नफरत करता था और मजबूरन मुझे ड्राइवर बलवंत सिंह बनना पड़ा क्योंकि मैं गीत को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था और गीत मनाने के लिए मुझे यहां रुकना पड़ा। नंदिनी वो सच कह रहे और अब तुम शायद ये बात सोच के परेशान हो कि रो तो बलवंत सिंह बने लेकिन मैं मानसिंह खुराना क्यों बना। नंदिनी मैं मानसिंह खुराना बना नहीं, मुझे गलतफहमी ने बना दिया। जब मैं आया तो पता नहीं क्यों सब लोग मुझे मानसिंह समझने लगे और मैंने बहुत कोशिश भी की लेकिन मैं अपनी सफाई दे नहीं पाया। भाई रब्बा ये तो मानसिंह खुराना है। मैंने आज मान को देखा। उसका हुलिया क्या ये बता मुझे तू। देखने में लंबे गोरे चश्मा पहने हुए थे। हाँ नंदिनी हमारी हेल्प करने के लिए देव मानसिंह खुराना बन गया। लेकिन फिर भी दीदी आप दोनों ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। तुमने कभी प्यार किया नंदिनी? नहीं किया ना, इसीलिए तुम ये बात समझ नहीं पा रही। रो और गीत ने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार के लिए किया, इसलिए वो गलत हो ही नहीं सकते। और नंदिनी अगर तुम रो का असली रूप देख लोगी ना तुम उनसे कभी नाराज हो ही नहीं पाओगी। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक यहां पर एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा है सिर्फ अपने प्यार के लिए। नंदिनी जिस आदमी ने आज तक अपनी गाड़ी का बोनट नहीं खोला वो आज लोगों की गाड़ियां धो रहा है सिर्फ अपने प्यार के लिए, सिर्फ अपनी गीत को पाने के लिए। नहीं गीत, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। हम चाहते तो हम यहां से चुपचाप निकल भी सकते थे। मैंने तो मान को माफ कर दिया था, हमारा तो झगड़ा भी खत्म हो गया था, मगर मान ने मना किया। वो चाहते थे कि सबको यकीन हो जाए कि गीत मान के साथ हमेशा खुश रहेगी। और हमने तो फैसला भी कर लिया था कि सबके रेतपुर से आ जाने के बाद मैं ये सच्चाई सबके सामने रख दूंगा ताकि सबकी मुश्किलें दूर हो जाए और खासकर देव की। सच तुम क्या बताओगे? सच तो पैन को मैं जाके बताऊंगा। ए देखो सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास।